क्या है मंकी मैनेजमेंट है क्या? आपने सवाल किया था ना कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझे दो तीन काम बता दिए जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि जी वो मेरे साले मैं समझ गया, वो मेरे सिर पे जो बंदर बिठा दिए जाते हैं, बंदर बिठाते जाते हैं कि मेरे साले को नौकरी लगवानी है, फलां का बंदा थाने से छुड़वाना है, बच्चे के लिए किताबें लानी है, एडमिशन करवाना है, ठीक है। देखें ये जो है ना, इसका मतलब है जब आप सुबह उठते हैं तो आपके सर पे बहुत सारे जो है ना वो मंकी वो आ जाते हैं, आपके कंधों पे आके आपके बैठ जाते हैं, तो आपका जो कंधे है ना उनके उनके बोझ से दब जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि आपको तो सारा जो सिस्टम है, सारा जो निज़ाम है वो इधरम भरम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपने अपने कंधे से उतार कर मंकी वापस दूसरे के कंधे पे चढ़ा देना। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि मसलन लोगों को कहें कि वो अपने हिस्से का काम पहले मुकम्मल करके आए, इससे पहले कि वो आपको को काम कहें। राइट। मसलन आपके वो जिसने कहा कि जी वो दुकानदार ने कि वो मेरा फलां बंदा जो है वो उस पर FIR हो गई है तो वो मुझे छुड़वा दे थाने से, तो पहले तो आप उसको बताएं ना कि भी आपको FIR की कॉपी भेजे, ठीक है, और थाने का नाम बताए, SHO का नाम बताए, उसके बाद ही आप उसकी को हेल्प करेंगे ना। अब ये सारे काम तो आपने नहीं करने, तो एक तो आपने मंकी उस वक्त उठाया और वापस दुकानदार के कंधों पे बिठा दिया, ठीक है बात। अच्छा, अब जिस साले का आपने एडमिशन नौकरी दिलवानी है जिसको आपने ध्यान से जरा तो उन साहब को कहें कि बेटा अपना एक अच्छा सा CV बनाओ और वो मुझे बनाकर ईमेल करो, ठीक है। तो ये मंकी वापस चला गया, ठीक है। वो जब ईमेल आएगी उसके बाद अगला काम शुरू होगा ना आपका, अभी तो नहीं शुरू हुआ, ठीक है। ठीक है, इसी तरह जिसका आपने एडमिशन करवाना है तो पहले तो बात आप उनको ये समझाएं कि एडमिशन जो है तो मुझे ये बता दो कि जितने नंबर तुम्हारे आए हैं, फर्ज करें उसके नंबर है लेट्स से 680 और आखिरी शख्स जिसका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में वो हुआ है 690 नंबर वालों का, तो आप उनको ये कहें कि अगर तो 680 वाले का कोई एडमिशन हो गया तो उसका मुझे नाम ला दो तो मैं तुम्हारा भी एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है। ये लोग सिर्फ कहते हैं कि जी ओ सब एडमिशन हो जाते हैं जी, को मेरिट कौन देखता है। अच्छा ये बताएं, ये मैंने तो ये आपने वापस मंकी फिर उधर ही दे, मैंने सारे मंकी वापस करने हैं या किसी का काम भी करना है? नहीं, आपने बिल्कुल नेक नियति से काम करने हैं, लेकिन मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं इसमें मुझे बताएं कोई बदनीयति तो नहीं है? ठीक है, आपके पास जब तक FIR की कॉपी नहीं आएगी, जब तक थाने का नहीं पता होगा, फर्ज करें आपके FIR उस बंदे पर हो कत्ल की, तो क्या आप उसकी सिफारिश करें? नहीं, अगले दिन जो मुझे FIR की कॉपी भी आ जाती है उसमें लिखा होगा ना मुझे जुर्म क्या उसका, ठीक है। नहीं, अगर जुर्म ऐसा है जिसको मैं कुछ कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस आपको एक दिन में 3 मंकी मिले, ठीक है, ठीक है, तो उस दिन आपको एक मिलेगा ना। नहीं, इसका मतलब हुआ कि मंकी मैनेजमेंट का मतलब है मैं बेहिस हो जाऊँ? नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके कंधों पर 3 मंकी चढ़ गए थे, आपने 3 उतारे, अगले दिन आपको एक मिल गया, तो एक को तो आप मैनेज करना आसान है बनिस्बत 3 के मैनेज करने में, और कुछ जायज काम आपने लोगों को करने हैं, नाजायज काम तो नहीं करने ना। किसी का मेरिट पर अगर एडमिशन हो रहा है और अगर कोई आपको ऐसा सबूत ला देता तो फिर आप उसकी हेल्प करें ना, ये तो नहीं कि आपने मेरिट की वायलेशन करनी है। ये तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, इस तरह के जितने भी काम हैं लोगों को सिर्फ इसका जो बुनियादी असूल है मंकी मैनेजमेंट का वो ये है कि आपके कंधों पर कम से कम मंकी हों और लोग अपने हिस्से का काम करके आपके पास। मैं समझ गया, वो जो अपने हिस्से का काम मुझ पे डाल रहे हैं वो मंकी है, वो गैर जरूरी मंकी है, जो आपके हिस्से का काम है वो आप नहीं कर रहे, और जो उन लोगों के हिस्से का काम है वो मैं उन्हें बावर कराऊं जी अपने तरीके से। मसलन वो जो आपका ब्रदर इन लॉ है, अगर वो अपना CV नहीं बना सकता तो फिर वो नौकरी किस तरह करेगा? और इसी तरह जो बंदा मुझे FIR की कॉपी नहीं ला के दे सकता, मैं उसकी मदद कैसे कर सकता? जी बिल्कुल, ठीक है। तो इससे आपकी जिंदगी काफी हद तक पुरसकून हो जाएगी, कम से कम मेरी तो हुई हुई है। मैं भी वैसे बाहर जाके यही कहता हूँ।